नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार हिंदी न्यूज चैनल, जो रखता है राज समाज के हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश और प्रदेश की खबरों के साथ आपके समाज आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत वर्ष 2023 को नशा मुक्त बनाना है। नव वर्ष के अवसर पर 5 करोड़ भारतीयों को आजीवन नशा मुक्त रहने का संकल्प करवाना है। आगामी 31 दिसंबर शाम 4 बजे जन जागरूकता के लिए कैंडल मार्च निकलेगा। ये बात नशा मुक्त आंदोलन के प्रणेता एवं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बीती रात अपने बेगरिया आवास दुबग्गा में आयोजित नशा मुक्त सेनानियों की एक विशेष बैठक में कही। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2022 को शाम 4 बजे नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सुभाष चौक परिवर्तन चौक से जीपीओ गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च होगा। इसमें 2023 लोग हाथ में मोमबत्ती अथवा दिया लेकर 31 की नाइट को नशा मुक्त बनाने की अपील करेंगे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अपने आवास पर आए सैकड़ों नशा मुक्त सेनानियों से कहा कि अगले 9 साल में भारत को नशा मुक्त देश बनाना है। उनके द्वारा वर्ष 2020 में छेड़ा गया आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है। इस बैठक में मोहनलालगंज विधायक अमरेश रावत, भाजपा नेता संजय सिंह सदाशिव मिश्रा, आंदोलन के जिला प्रभारी अनिल अग्रवाल, के अवस्थी डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता व आंदोलन के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।